हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का जेनिक जी स्टडी के इतिहास के पन्नों में आज के तारीख एपिसोड में। गाइस, आज है 2 दिसंबर और हम आज जानने वाले हैं कि विश्व के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि आज यानी 2 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 18वीं शताब्दी से, यानी कि 1766 से, यानी 1766 से। आज ही के दिन स्वीडन ने पहली बार प्रेस की स्वतंत्रता का घोषणा किया था और उन्होंने इस नियम को अपनाया था, राइट्स को अपनाया था। आज ही के दिन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार शांति समझौता किया गया था और रूस और अदर जो कंट्री थे उन सब के बीच में एक शांति सम्मेलन हुआ था। आज ही के दिन 1927 में पहली बार फोर्ड मोटर का मॉडल टी के 17 साल कंप्लीट होने के बाद फोर्ड मॉडल ए को लॉन्च किया गया और फोर्ड मोटर उस समय में पहली ऐसी कार बनाई जिसमें कुछ एडवांसमेंट की फीचर्स डाली थी। आज ही के दिन 1942 में एनरिको फर्मी, जिनको न्यूक्लियर साइंटिस्ट माना जाता है और ये बोला जाता है कि ये न्यूक्लियर फादर माना जाता है, उन्होंने पहली बार सेल्फ कंट्रोल्ड और सेल्फ ऑटोमेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था। आज ही के दिन 1957 में UNSC ने पहला प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान को एक रिजोल्यूशन दिया था 126 के नाम से, कश्मीर मुद्दे के लिए, कश्मीर से जो झड़प उत्पन्न हुई थी उसके लिए। आज ही के दिन 1988 में वेंजीर भुट्टो, पाकिस्तान की जो कि एक इस्लामिक कंट्री था, आधिकारिक रूप से उसको इस्लामिक घोषित किया था 1953 में, उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और आज ही के दिन 1991 में कनाडा और पोलैंड पहले ऐसे राष्ट्र बने जिन्होंने सोवियत संघ से अलग होने वाले यूक्रेन को पहला सोवरिन स्टेट के रूप में दर्जा दिया। आज ही के दिन 1993 में पाब्लो इस्कोबार, जो कि एक नार्को टेररिस्ट था, मेंडेलिन में उसकी हत्या कर दी गई थी, पुलिस एनकाउंटर में उसे मार दिया गया था। आज ही के दिन 2020 में, ठीक आज से एक साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने फाइजर और बायोएनटेक कंपनी को कोविड-19 के आपातकाल मेडिसिन और वैक्सीन बनाने का लाइसेंस दिया था। गाइस, ये था इम्पोर्टेंट आपका जो इवेंट्स हुए विश्व में। साथ ही साथ अब हम जानेंगे कि नेक्स्ट क्या है, आपका कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज ही के दिन यानी 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के नाम से मनाया जाता है और भारत में आसाम में असम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय में वहाँ एक अहोम डायनेस्टी के राजा के रूप में मनाया जाता है जो 13वीं शताब्दी में वहाँ पे राज करते थे। ये था आज का महत्वपूर्ण इवेंट और महत्वपूर्ण एपिसोड। अब आपसे हम आपको 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि आसाम का फॉर्मेशन कब हुआ था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आसाम का फॉर्मेशन कब हुआ था। और दूसरी बात हमें ये आप बताएंगे कि UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके गाइज, थैंक यू, कीप लर्निंग।